हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लर तो ब्लर फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू करने वाले हैं जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कांगफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है हॉरर थ्रिलर इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलिया का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टोटल छः प्रोड्यूसर से, जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर पर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने कहानी के ऊपर अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहां पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक रिपब्बल करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेड करने के लिए ताफसेपनों ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर रना ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पर ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भयाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ ंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देथ की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमे की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल ई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डिज जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी, टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिस टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जुलिया जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जुलिया जाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज के लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर

प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापलियाल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक इक्कीस तक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो प्रोटोग है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए तापसी पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड फोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स सी स्टूडियो यानी कि जी, जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ है आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्सय धावन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूज़िक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेंटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देख की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमिंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे ज़रूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स से है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए हैं तो फिलहाल में फिल्म के गाने जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे वहीं पर फिल्म के जो ओ टी टी वर्जन के बारे में बातचीत करें तो ब्लर नाम के साथ इस फिल्म का ओ टी टी वर्जन आपको जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से ब्लर फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है हॉरर थ्रिलर इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जुलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जुलिया जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जुलिया जाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता है डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एकल प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देव भैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हजार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इम्पेट करने के लिए तापसे पर ने कुछ सीन्स को ब्लाइंडफोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट ई स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए गाया म्यूज़िक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवानगी भायाना ने म्यूज़िक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवानगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्विन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देद की पा पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइट की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई एम डी पे करीबन चौवन सौ वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल दस में से और ये फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीज जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर्स है जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए। कहानी के ऊपर अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहां पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वह तापसी ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो प्रोटोग है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंडफोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहें में क्या देख की पापी छे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमे की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे ज़रूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला आईएमडी आई एन चौवन सौ की रेटिंग हासिल हुई में से और यह फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब्सक्रिप्शन वहीं फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सैटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए तो फिलहाल में फिल्म के गाने जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे वहीं पे फिल्म के जो ओ टी टी वर्जन के बारे में बातचीत करें तो ब्लर नाम के साथ इस फिल्म का ओ टी टी वर्जन आपको जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद, विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से ब्लर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो ब्लर जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है हॉरर थ्रिलर इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन्स में अपना डंका बजाया था स्पेन में फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जूलियाज आय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता है डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने हुई है जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देभ्या प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बीपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक इक्कीस तक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए तापसी पर उन्होंने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूजिक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूजिक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज करवाया अलग अलग लिरिसिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर रना ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्त शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अनटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या पा पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से एड किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमिंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल Luis Dás Mese. और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीजा जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए तो फिलहाल में फिल्म के गाने जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे वहीं पे फिल्म के जो ओटीटी वर्जन के बारे में बातचीत करें तो ब्लर नाम के साथ इस फिल्म का ओटीटी वर्जन आपको Z5 ऐप के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो Zee Cinema या Zee Cinema HD चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से ब्लर फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो ब्लर जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जॉनर है हॉरर थ्रिलर इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टर्गोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जूलिया जाए का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडप्टेशन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर

प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापलियाल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इम्पेट करने के लिए तापसी पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड फोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ है आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भयाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फ़िल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ मेनली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीजें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देथ की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइट की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉस मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओटीटी सेटेलाइट राइट है वो जी स्टूडियो फिल्म के प्रोड्यूसर

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडप्टेशन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने हुई है जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देव भैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक इक्कीस पब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इम्पेट करने के लिए तापसे पर ने कुछ सीन्स को ब्लाइंडफोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूजिक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था म्यूजिक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर रना ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ ंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्विन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीजें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या पा पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई एम डी पे करीबन चौवन सौ वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीज जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलिया का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर्स है जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए। कहानी के ऊपर अभिलाषा सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहां पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रेक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ ंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीजें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देत की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमिंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल दस में से और ये फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डि जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंगली सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन्स में अपना डंका बजाया था स्पेन में फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जूलियाजाई का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता है डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स, एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की है जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवैया प्ले कर रहे मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक इक्कीस पब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेड करने के लिए तापसी पर ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स स्टूडियो यानी कि जी म्यूजिक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिक्सिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर रणना ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पर ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूज़िक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देख की पापीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे ज़रूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला आईएमडी पे करीबन चौवन तो सौ वोट मिले हुए जिसमें छ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीजा जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए तो फिलहाल में फिल्म के गाने जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे वहीं पे फिल्म के जो ओटीटी वर्जन के बारे में बातचीत करें तो ब्लर नाम के साथ इस फिल्म का ओटीटी वर्जन आपको जी5 ऐप के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से ब्लर फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो ब्लर जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जॉनर है हॉरर थ्रिलर इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टर्गोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाए ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन्स में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर

प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देव भैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापलियाल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो प्रोटोग है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए तापसी पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड फोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ है आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ ंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीजें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देथ की दे पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई की वजह से वो खुद काफ़ी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉस मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल लोई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीज जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंग लिसअ टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के

प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बीपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है। वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हजार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इम्पेड करने के लिए तापसे पर ने कुछ सीन्स को ब्लाइंडफोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भयाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ मेनली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीजें मिस्ट्री के बिहै में क्या देत की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइट की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई एम डी पे करीबन चौवन सौ वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जूलिया जाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर्स है जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए। कहानी के ऊपर अभिलाषा सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहां पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो प्रोटोग है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंडफोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूज़िक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रेक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने ही लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ मेनली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहै में क्या देथ की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइट की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमिंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल दस में से और ये फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डि जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंगली सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाए ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडप्टेशन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की है जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियल जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बीपी नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हजार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए ताफसे पर उन्होंने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीज़र को रिलीज किया गया था नवंबर 20 को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूजिक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रेक है साउंड ट्रेक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिक्सिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धवन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भयाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ मेनली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देथ की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से एड किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमिंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिसियबलिटल तो तो वहीं पर फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट है वो जी स्टूडियो की जो फिल्म के प्रोड्यूसर

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाए ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन्स में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनो दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल थी, थी रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर

प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देव भैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापलियाल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इम्पेट करने के लिए तापसी पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड फोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ है आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूज़िक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूज़िक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देख की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल लोई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीज जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंग लिसअ टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब झूलियाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया हुआ था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पर डिरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसनी खान अभिलाषा तपिल्यान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहां पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवैया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बीपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल है वो सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट

प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूजिक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रीसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रेक है साउंड ट्रेक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज़ कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर रणना ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पर ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भयाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी yeah, ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ ंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्विन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीजें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या दे पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई एम डी पे करीबन चौवन सौ वोट मिले हुए जिसमें छ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीज जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को 2022 में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जूलिया जाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता है डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तपलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतम जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पर फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिसिस्ट के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रेक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए गाया म्यूजिक दिया हुआ है ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूजिक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देख की पापी थे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइट की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिमिंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल दस में से और ये फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डि जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंगली सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहाँ पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जाय ने एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर का टेक लिया था और काफ़ी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पर बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता है डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म्स एक प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज़ के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के

प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवइया प्ले कर रहे हैं मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापल्याल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे ईरा के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 तक इक्कीस पब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए तापसी पर उन्होंने कुछ सीन्स को ब्लाइंड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स जी स्टूडियो यानी कि जी म्यूजिक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट रिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिक्स ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ आदित्य पुष्कर रणना ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पर ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवागी भायाना ने म्यूज़िक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवांगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने हैं जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीजें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देख की पापीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीजें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे ज़रूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छे की रेटिंग हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डि जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंग लिसअ टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

इस फिल्म को ऑफिशियली रिमेक किया गया है स्पेनिश फिल्म जूलियाज आई से अब जूलियाज आई के बारे में बातचीत करें तो वो एक 2010 की स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था गुलिया मोरालेस ने लिखा हुआ था मोरालेस और ओरियो पोलो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था गिलीमो टोरो और जोकिन पाटरो और मार्टरगोर ने जहा पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो काफी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था और स्पेनिश लैंग्वेज में जूलिया एक अपना डंका बजाया था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिलेक लिया था और काफी लंबे समय तक इस फिल्म ने अलग अलग वर्जन में अपना डंका बजाया था स्पेन में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी वहीं पे बाद में इस फिल्म को दो में अब हिंदी में रीमेक किया हुआ है अब जूलिया जाय का जो हिंदी वर्जन है यानी कि ब्लर उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है अजय बेहल ने हिंदी वर्जन में जो एक एडेप्टसन होता है इंडियन आइज वाला वो अजय बेहल और पवन सोनी ने मिलकर किया होता था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें वहीं पे डायरेक्शन अजय बेहल ने खुद किया हुआ था फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है विशाल राणा तापसी पन्नू प्रांजल खंडिया टोनी डी डिसूजा प्रदीप शर्मा और मनोज दुर्गा इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टोटल छः प्रोड्यूसर से जहाँ पे आउटसाइडर फिल्म एकलैंड प्रोडक्शन और जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे थिएट्रिकल रिलीज के लेके लिए लेकिन थिएट्रिकल रिलीज बाद में कैंसिल करवाई गई थी सिनेमेटोग्राफी है वो सुधीर के चौधरी ने की हुई एडिटिंग है वो मनीष प्रधान ने की हुई हैं जिन्होंने 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे छः मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आदित्य पुष्कमा ऋषि दत्ता और शिवांगी भयाना ने काम किया हुआ है टोटल फिल्म में तीन गाने वैसे तो गाने दो ही है जो ब्लर का ट्रैक है उसको मेल फीमेल वर्जन में क्रिएट किया हुआ है लेंथ छः मिनट छः सेकंड है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों आपको ऑफिशियली जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने पास राइट्स रखे हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें सॉरी अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो तापसी पन्नू गुलशन देवैया ये लीड रोल में देखने को मिलेंगे कृतिका दसानी खान अभिलाषा तफलियान सौरभ चौहान नित्या माथुर और सुमित नाजवान ये सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में गायत्री और गौतमी जो डबल रोल है वो तापसी पन्नू ने प्ले किया हुआ है फिल्म का लीड किरदार है नील का रोल गुलशन देवैया प्ले कर रहे मिस राधा सोलंकी का रोल कृतिका देसाई खान ने प्ले किया हुआ है चंद्र का रोल अभिलाष तापलियाल ने प्ले किया हुआ है बिपिन नाथ के रोल में सौरभ चौहान देखने को मिलेंगे इराक के रोल में नित्या माथुर देखने को मिलेगी वहीं पे महेंद्र चंदेल का रोल एवं सुमित निजवान ने प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे फिल्म की कहानी में उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी जुलाई 2021 को फिल्म को 31 अगस्त 2021 हजार इक्कीस तक रिपब्लिक करवा लिया था इस फिल्म के काफी लंबे लंबे शेड्यूल रखे गए थे इस फिल्म में जो प्रोटोग है उसके विजुअल्स इंपेरेट करने के लिए तापसी पन्नू ने कुछ सीन्स को ब्लाइंड फोल्डेड करके अलग कैरेक्टर राय के लिए शूट किया हुआ था प्रमोशंस की बात करें तो टीजर को रिलीज किया गया था नवंबर बीस को 2022 में वहीं पे इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स को सेट किए हुए थे कुछ जगह पे इस फिल्म को स्क्रीनिंग करवाई गई थी ऑडियंस के लिए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट स्टूडियो यानी कि जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है जो फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे जहाँ पे छः मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक है साउंड ट्रैक है जहाँ पे 2021-2022 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 12 दिसंबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था म्यूज़िक को अलग अलग म्यूजिस के पास कंपोज कराया अलग अलग लिरिशिस्ट ने गाने लिखे हुए पहला गाना है निशाना जिसके लिरिक्स सृष्टि तावड़े ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ है आदित्य पुष्कर ने सृष्टि तावड़े ने भी गाया हुआ है इसके अलावा ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है मेल वर्जन उसको अक्षय धवन ने लिखा हुआ है वहीं पे ऋषि दत्ता शिवांगी भायाना ने उसको म्यूजिक दिया हुआ था मेलोडी और शिवांगी भायाना ने गाया हुआ है ब्लर का जो टाइटल ट्रैक है उसका जो फीमेल वर्जन है उसके लिरिक्स भी अक्षय धावन ने लिखे हुए हैं गाया म्यूजिक दिया हुआ ऋषि दत्ता और शिवांगी भायाना ने म्यूज़िक में जो सिंगर है जो गाने में सिंगर है वो है डी एम सी और शिवानगी भायाना तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में सॉरी ये फिल्म के तीन प्रोमिनेंट गाने जिसको फिल्म में यूज़ किया हुआ था तो फिलहाल में ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर सारांश में बात करें तो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है एक वुमन के ऊपर है जिसका नाम है गायत्री जो कुछ अंटीमेटली एक दे थे उसकी ट्वीन सिस्टर की उसके पीछे पड़ी हुई उसके पीछे की सच्चाई को जाने के लिए जो सभी चीज़ें वो एक टीवी में देखती नजर आ रही है जहाँ पे वो सभी चीज़ें मिस्ट्री के बिहेंड में क्या देख की पीछे क्या मिस्ट्री थी वो सभी चीज़ें ढूंढने में वो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो खुद से आई साइड की वजह से वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी केस को कैसे सोल्व करेगी वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी सेट किए हुए स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा था हाँ 2010 की रिविंग की गई इस वजह से कुछ चीज़ें आपने कुछ फिल्मों में देखी होगी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे जरूर देखा जा सकता है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म को नौ दिसंबर दो को रिलीज़ करवाया गया था डायरेक्ट ओ टी के ऊपर जब फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल किया गया तब फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉस मिला आई पे करीबन चौवन वोट मिले हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हासिल हुई दस में से और ये फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल करवाई हुई है डीज जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में ब्लर फिल्म को अगर आपको हिंदी वर्जन में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथिंग लिसअ टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ब्लर के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्लर फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स है वो जी स्टूडियो के जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ही अपने पास रखे हुए

दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग और बजट के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस किए हुई है फिल्म रीमेक और ओरिजिनल के बीच में जो कंपेरिजन है वो करके दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू